In this video, question number 7, exercise 5.6 is a good question. Length ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल easy है ये. अब देखो, पहले मैं x is equal to sin cube t upon cos 2 t n 2 टर्न पे इसको differentiate करूँगा. अब देखिए, पूरा function t में है, तो यहाँ से dx by dt निकालूँगा. और हर एक बच्चे को पता है, जब वेरिएबल न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्वेश्चन टूल यूज़ करते हैं. क्या होता है क्वेश्चन टूल, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो मैं क्या कैसे बताया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर का, माइनस वन न्यूमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का, ऐसे यूज़ करूँगा. तो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज़ करूँगा. पहले मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो अनरूट रिमूव हो जाएगा स्क्वायर से. फिर मैं क्या करता, मैंने इसको एज इट इज़ राइट करूँगा न्यूमिनेटर को. डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का राइट करूँगा बेटे, साइन क्यूब टी न्यूमिनेटर का, सॉरी. फिर माइनस में साइन क्यूब टी एज इट इज़ राइट करूँगा. डी बाई डी टी किसका राइट करूँगा, कॉस टू टी अनरूट का. इसको ध्यान से करना बस, कॉस टू टी अनरूट एज सच, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, डेट इसका लूँगा. अब यहाँ थोड़ा आराम से करिए, ये होल पावर है थ्री, तो पहले होल पावर का डेरिवेटिव लेते हैं. हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आए तो थ्री नीचे उतारिएगा, एक पावर कम करो, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया. फिर किसके ऊपर पावर है, ये साइन टी पे. अब साइन टी का डेरिवेटिव यहाँ लिखूँगा मैं कॉस टी, और टी का क्या आएगा, वन. ये आ गया पूरा डेरिवेटिव इसका, माइनस में साइन क्यूब टी एज इट इज़. इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, इसका लेना है, क्योंकि डी बाई डी टी इसके सामने है. अनरूट का फिर दोबारा ध्यान से सुनना, जब भी अनरूट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वन अपॉन टू टाइम्स एज इट इज़ राइट करूँगा टर्म, और फिर डेरिवेटिव राइट करूँगा जिसके ऊपर अनरूट आया है. किसके ऊपर अनरूट था, कॉस टू टी. कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन टू टी. अब किसका लेना, एंगल का, वो टू बनेगा, वो टू राइट कर दिया. डिनोमेटर राइट एज सच कॉस टू टी. या फिर लिखूँगा, अगर मुझे एफ एक्स डी बाई डी एक्स अनरूट का लेना है, वन अपॉन दुगुना करके यहाँ टू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये रूल अप्लाई किया मैंने यहाँ. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटे, कॉस टू टी प्लस थ्री टाइम साइन स्क्वायर टी, सॉरी इंटू था यहाँ, थ्री टाइम साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस बन गया ये, ठीक है. और ये क्या टर्म बनती है, टू टाइम साइन टू टी साइन क्यू टी, और ये मेरे पास टू टाइम कॉस टू टी है, और डिनोमेटर ऐसा चाहेगा कॉस टू टी. अब टू से टू कैंसिल करो, ऊपर एलसीएम ले लो बेटे, कैल्शियम आएगा. हर एक बच्चों को पता, दो टर्म है यहाँ पे, वन डाल दो तो कॉस टू टी अंडर रूट एलसीएम, और एक मेरे पास ऑलरेडी कॉस टू टी डिनोमीटर में था, इसको राइट कर दो. तो जब इसको कॉस रूट कॉस टू टी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, और ये क्या टर्म बनेगी, थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन टू थीटा ना बेटे, इसको ब्रेक कर लो, टू साइन टी कॉस टी और साइन क्यूब टी. अब आई कैन टेक समथिंग कॉमन, साइन टी कॉस टी मैंने कॉमन ले लिया इसमें से. अगर मैं ये कॉमन लूँगा तो ये क्या बचता है, थ्री साइन टी कॉस टू टी प्लस टू साइन टी कॉस टी कॉमन है, तो यहाँ क्या राइट कर दो, साइन क्यूब टी डिवाइड बाई, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करके कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू बनेगा. अब है ना बेटे, यहाँ सेम टर्म बना लो, साइन टी कॉस टी. देखो यहाँ ये कॉस टू थीटा का ऐसा फार्मूला यूज़ करो जिसमें साइन की टर्म आती है, तो हमें ये मालूम है वन माइनस में टू टाइम साइन के थीटा होता है, तो इसलिए देखो थ्री साइन टी एज इट इज, इसको वन माइनस में टू टाइम साइन स्क्वायर टी, टू टाइम साइन स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और टू टाइम साइन क्यूब टी आ गए यहाँ पे, और ये टर्म क्या आ गई मेरे पास, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू. तो ये अल्टीमेट साइन टी कॉस टी बेटे. अब थ्री को वन से मल्टीप्लाई करूँगा, थ्री साइन टी माइनस में फोर साइन क्यूब टी, अरे ये तो कुछ नहीं है, साइन थ्री टी का फॉर्मूला बन गया. तो कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, तो साइन टी कॉस टी इंटू में साइन थ्री टी डिवाइड बाई कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी. अब मैं क्या निकालूँगा, वाई. वाई मेरे पास बिल्कुल फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कॉस क्यूब टी और कॉस टू टी अंडर द रूट. अब मैं डी वाई बाई डी टी फिर उसी मेथड से करूँगा, नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर राइट करूँगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा,
कॉस टू टी एन रूट में आएगा। अब डायरेक्ट लिखूंगा थ्री कॉस के टी, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन टी, माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज़, इसका क्या लिखो टू टाइम अंडर रूट कॉस टू टी, कॉस टू टी का बताओ बेटे माइनस का साइन टू टी, एंगल का टू, टू से टू कैंसिल, फिर आप एलसीएम राइट करो कॉस टू टी रूट आएगा, इससे मल्टीप्लाई करके एंड रूट को रिमूव कर दूंगा यहाँ, माइनस का थ्री टाइम कॉस केयर टी साइन टी, फिर प्लस बन गया ये कॉस क्यूब टी, माइनस माइनस प्लस लिख दिया था मैंने यहाँ, और ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, फिर टू साइन टी और कॉस टी डिवाइड बाय कॉस टू टी, और ये एलसीएम लिया था ना बेटे, इसकी पावर यहाँ थ्री बाई टू डाल देना, थ्री बाई टू, आप ज़रा देखो फिर साइन टी कॉस टी, फिर मैं कॉमन लूँगा साइन टी कॉस टी कॉमन आएगा, थ्री कॉस टी माइनस साइन के साथ, और यह क्या आएगा यहाँ कॉस टू टी प्लस साइन टी कॉस टी कॉमन है, टू टाइम कॉस क्यूब टी बनता है, यहाँ नीचे क्या आएगा टर्म कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। अब यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ करो बेटे जिसमें केवल कॉस कॉस की टर्म आती है, साइन टी कॉस टी एज इट इज़ माइनस का थ्री कॉस टी, और ये क्या फार्मूला हो गया टू टाइम कॉस स्क्वेयर टी माइनस वन प्लस का टू टाइम कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। जस्ट नेक्स्ट पेज पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या बनता है ये डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ये साइन टी कॉस टी एस सच, साइन टी कॉस टी एस सच, और ये ना बेटे मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री को, तो माइनस का सिक्स ये लिखेंगे, माइनस का सिक्स कॉस क्यूर टी, माइनस का सिक्स कॉस क्यूब टी, सॉरी माइनस का सिक्स कॉस क्यूब टी, और फिर माइनस प्लस, फिर ये आएगा तुम्हारे पास प्लस थ्री साइन टी, लिखो यहाँ प्लस थ्री सॉरी कॉस टी, और आगे वाले टर्म क्या थी मेरे पास प्लस में टू टाइम, टू टाइम कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। तो अब डी वाई बाई डी टी अल्टीमेट क्या बनता है ये जस्ट राव इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी, तो पहले तो ना बेटे थ्री कॉस टी राइट कर दो, फिर माइनस का फोर, और ये क्या आएगा कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। नेक्स्ट इससे नेगेटिव कॉमन राइट कर लो ताकि फार्मूला बन जाए साइन टी कॉस टी फोर कॉस क्यूब टी माइनस में थ्री कॉस टी, हर एक बच्चे को बताइए कॉस थ्री टी का फार्मूला बन गया कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, तो माइनस का साइन टी कॉस टी इंटू में कॉस थ्री टी डिवाइड बाई कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या करूँगा डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दूंगा डी टी बाई डी एक्स से, तो ये वैल्यू पहले डाल देता हूँ माइनस का साइन टी कॉस टी इंटू में कॉस थ्री टी डिवाइड बाई कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो उल्टा करके बस यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो ये आएगा साइन टी था कॉस टी था वहाँ पे इंटू में साइन थ्री टी, अरे ये इससे कटेगा बेटे ये इससे कट जाएगा, तो माइनस का कॉट थ्री टी विल बी माई आंसर। वेरी लेंथी इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेंथी वन।